नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। 17 अक्टूबर से आईसीसी T20 विश्व कप की शुरुआत हो गई है, जिसमें कल के दिन बांग्लादेश बनाम स्कॉटलैंड के बीच सुपर 12 के लिए क्वालिफिकेशन राउंड का मुकाबला देखने को मिला। ये मुकाबला बेहद शानदार रहा, क्योंकि कल स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश पर 6 रनों की चमत्कारी जीत हासिल की। बता दें कि कल के दिन बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्ला ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 9 विकेट खोकर 140 रन बनाए, और इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम महज 134 ही रन बना पाई और 6 रनों से मैच गवा बैठी। भले ही बांग्लादेश की टीम मुकाबला हार गई हो, मगर कल हुए मुकाबले में शाकिब अल हसन ने T20 क्रिकेट का एक और नया कीर्तिमान अपने नाम किया। शाकिब अल हसन ने कल हुए मुकाबले में 4 ओवर्स में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और T20 में गेंदबाजी का महारिकॉर्ड अपने नाम किया। शाकिब ने कल 2 विकेट हासिल करके T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपने 108 विकेट पूरे किए, और इसी के साथ अब शाकिब T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शाकिब से पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम था, जिन्होंने 107 विकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपने नाम किए थे। शाकिब सिर्फ T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि शाकिब इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने के साथ 1000 रन भी पूरे किए हैं। शाकिब के अलावा कोई और खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।